ये कुछ पैनल हैं जो कि अभी बारिश भी हुई है, तो उसके बाद से जो ना इसने थोड़ा शॉर्ट सर्किट किया है, तो देख लेते हैं। ये हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा है, यहाँ पर इसकी जो पैनल की हालत है वो भी कुछ टाइट हुई हुई है, छोटे वोटे लगी हैं इसको। बाकी ये कि इसकी जो पैनल की जो तारें हैं तकरीबन ये देखें बिल्कुल पाउडर बन चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और हमारे पास एक ये पैनल है, अब हम इसको उठा कर ले आएँ। ये इसके वोल्टेज जो है ना सही से नहीं आ रहे थे, एम्पेयर सही से नहीं बना रहा था, तो इसकी जो तार है वो ही पाउडर हो गई थी। तो अब हम उस तार को जो है ना दोबारा से लगा रहे हैं, नई तार हम लोगों ने लगा दी है कनेक्टर के साथ। तो इसको हम लोग इसका जो ये बॉक्स हम लोगों ने खोल लिया है, और अब ये काफ़ी गर्म नहीं है, थोड़ा सा गर्म होने दे, फिर इसको हम लोग लगा लेते हैं। तो अब काफ़ी हम लोगों ने गर्म कर लिया है, और उसके बाद ये हम लोग टांग के लगा रहे हैं इसके इस वायर के साथ, जो कि बिल्कुल फिर एक्यूरेट काम करेगा। अक्सर ऐसा होता है इसके डायोड वगैरह भी जल जाते हैं, तो डायोड वगैरह भी चेंज हो जाते हैं। तो इतना बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ ये है कि इसके जो ना टांके प्रॉपर तरीके से, और तकरीबन 60 से 80 वाट वाले काफ़ी से लगेगा। और तकरीबन ये पैनल इसका जो ख़र्चा हो जाता है 1500 रुपये तक का ये चेंज भी हो जाता है, 1500-2000 तक ये चेंज हो जाता है इसका जो बॉक्स है पूरा। तो ये अब हम लोगों ने इसके दोनों तरफ से लगा दिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद हम लोगों ने इसको लगाने के बाद हम लोगों ने इसको धूप में भी चेक किया है, और इसके जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं। और उसके ऊपर हम लोगों ने ये सिलिकॉन लगा दिए बिल्कुल, ताकि हीट वगैरह ना मार सके। इसके बाद हम लोगों ने चेक किया है, बिल्कुल प्रॉपर था, बस बाकी इसके ऊपर कवर रख के हम लोग बंद कर रहे हैं इसको।